नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। दिल्ली आबकारी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है। इससे साफ है कि ये पूरा केस ही फर्जी है। सिर्फ गंदी राजनीति के लिए देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं और ये उन्हें शोभा नहीं देता। पीएम मोदी ने कर्नाटक के अंकोला में आज अपनी दूसरी चुनावी रैली में कहा कि हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी लोग मेरा रिमोट कंट्रोल हैं। आपने आदेश कर दिया, इसीलिए हम हिंदी में भाषण करेंगे। 40 साल बाद कोई पीएम यहां पर आया। अपने भाषण से पहले 3 बार बजरंग बली की जय का नारा लगाया। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली 4 धाम यात्रा बुधवार को स्थगित कर दी गई। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि क्षेत्र में खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा बुधवार को स्थगित कर दी गई है। उन्होंने यात्रियों से सहयोग करने की अपील भी की है। लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले गो एयरवेज के सभी उड़ान रद्द कर दी गई हैं। गो एयरवेज के सीईओ ने कंपनी के दिवालिया होने का पत्र भेज दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट से आज दोपहर 1 बजे मुंबई और शाम 5:45 पर बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कंपनी के मैनेजर ने बताया कि सभी यात्रियों के पैसे वापस किए गए हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने 9 mm की पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। अतीक ने पिस्टल हनीफ को दी थी और उसी के घर से ये बरामद भी हुई है। एक एप्पल का फोन जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया था समेत कुल 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। हनीफ पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पंजाब के मोगा में आपको बता दें कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर कमेटी के खजांची ने ये गोली चलाई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बजरंग बली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। बजरंग बली के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे गुंडों को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी। जरूरत पड़ी तो अपने यहाँ भी बजरंग दल को बैन करेंगे। पीएम मोदी 5 मई की शाम में बेंगलुरु पहुंचेंगे। उसके अगले दिन 6 मई को पीएम मोदी 2 रोड शो करेंगे। बेंगलुरु में आपको बता दें कि कुल 38 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। 6 मई की सुबह पीएम मोदी बेंगलुरु में 8 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और फिर इसी दिन शाम को वो 30 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। डीएसपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने कहा है कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आज छापेमारी और तलाशी के दौरान बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न अपराधों के तहत 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान 1 बुलेट प्रूफ कार, इसी के साथ ही 7 राउंड के साथ 3 पिस्टल, इसी के साथ ही 22.4 ग्राम हीरोइन, 73 ग्राम एम्फेटामाइन और इसी के साथ ही 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तेलंगाना में बजरंग दल के कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। संगठन के कार्यकर्ता कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन कांग्रेस के हैदराबाद स्थित पार्टी ऑफिस के सामने हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट कल गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस की ओर से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरकारी कल कराची से सीधा गोवा पहुंचेंगे। भुट्टो के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी कल दोपहर 2 बजे गोवा के लिए रवाना होगा। बिलावल गोवा में एससीओ की होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में दूसरे चरण में 11 मई को नगर निकाय चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पीलीभीत नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आस्था अग्रवाल की, जो चुनाव मैदान में है, जो लगातार अपना प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी लगातार भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर आस्था अग्रवाल पर जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी बाहरी है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने विपक्षी पर पलटवार करते हुए कहा कि बेटी की शादी होने के बाद वो 2 घरों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाती है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यही कि वो पली बड़ी है और यही से शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। रायबरेली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने के लिए प्रचार थमने के अंतिम दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां परसनाथ को चुनाव जिताने के लिए सपा विधायक मनोज पांडे जी जान से जुटे हुए हैं, तो वहीं शालिनी कनौजिया के लिए भाजपा विधायक अदिति सिंह पसीना बहा रही हैं। प्रचार के अंतिम दिन शाम होते होते मनोज पांडे ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदिति सिंह पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। उसके बाद सोनिया नगर में धरने पर बैठ गए। तो वहीं अदिति सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पुलिस ने चेक की है, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरा उपदेश मनोज पांडे के लिए यही है कि जनता के बीच मेहनत करे,
अनर्गल आरोप से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं, जिसमें पहला चरण 4 तारीख तो दूसरा चरण 11 तारीख को होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। जिले में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियां निकालकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास भी किया। निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जल विकास शुल्क और सीवर विकास शुल्क का मुद्दा उठाया। नगर निगम में शामिल हुए 41 गांव में निर्माणाधीन मकानों के मालिकों से वसूले जा रहे हैं जल विकास शुल्क और सीवर विकास शुल्क को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निकाय चुनाव में उगू नगर पंचायत में मतदाताओं को रुपए देकर खरीदने गए निवर्तमान चेयरमैन को नगरवासियों ने पकड़ लिया। रुपयों के दम पर जीतने की तैयारी में सभी प्रत्याशी जुटे हैं। निवर्तमान चेयरमैन अनुज दीक्षित बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अनिता देवी को जिताने के लिए जनता को रुपयों का लालच देकर वोट खरीदने पहुंचे थे निवर्तमान चेयरमैन, जिसके बाद नगरवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नगरवासियों से बचने के लिए निवर्तमान चेयरमैन भागते नजर आए। पूरा मामला सफीपुर तहसील के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के उगू नगर पंचायत का है। अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें कि लिमरी अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कानपुरा पटिया के पास एक मैक्स पिकअप पलटने से एक हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 अन्य व्यक्तियों को छोटी मोटी चोटें आने की वजह से 108 के द्वारा उन्हें इलाज के लिए लिमरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात अरवली जिले के धनसुरा तालुका के चौगांव कंपा के देवांशी पटेल ने राष्ट्रीय खेल रोल बॉल में कांस्य पदक जीतकर गांव और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि देवांशी पटेल अपने गृहनगर धनसुरा तालुका के चौगांव कंपा में गांव वालों ने उनका सम्मान किया। गांव की बेटी ने इस तरह से गांव का नाम रोशन किया है, ये तमाम गांववासी बोलते हुए भी नजर आए। पौड़ी जिले के चौपट्टाखाल विधानसभा के सतपुली कस्बे के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया। थानाध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक सतपुली कस्बे के दुधारखाल तिराहे के समीप रहने वाले 41 वर्षीय माल सिंह पवार पुत्र प्रेम सिंह ने गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया है। मानसखंड झांकी रथ को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ को पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया है। गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रहा मानसखंड झांकी रथ बीते सोमवार को पौड़ी पहुंचा था, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे बस अड्डे पर ही खड़ा कर दिया गया था। केदारनाथ में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए थे वे भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के DGP अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दे दिए हैं। DGP ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा एक बार फिर से सुचारू कर दी जाएगी। लगातार मौसम खराब होने के कारण गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम यात्रियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम होने को देखने को मिल रही है, जिससे कि लगातार बारिश और बर्फबारी होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती में नगर निकाय निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने में के लिए और पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पुलिस लाइन में ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मतदाताओं की गहनता से जांच करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि वो अपनी किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री मतदान स्थल तक ले जाने ना पाए। यदि कोई नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कल 4 मई को पहले चरण के मतदान को लेकर महाराजगंज में शासन के निर्देश पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। महाराजगंज जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 48 घंटों के लिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालांकि मालवाहक वाहन, कस्टम एजेंट, रेल टिकट, हवाई टिकट, एम्बुलेंस सेवा, देशी विदेशी सेना वाहन, विदेशी पर्यटक, शादी विवाह जैसे गतिविधियों पर आवश्यक दस्तावेज देखने के बाद आने जाने की छूट दी गई है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत GRP पुलिस महुआ को में बड़ी सफलता मिली, जब चेकिंग अभियान के दौरान मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेते हुए जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने ट्रेनों में मोबाइल चोरी किए जाने की बात को स्वीकार किया। साथ ही पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों के पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। तो वहीं पकड़े गए युवक कुंज बिहारी और मानवेंद्र जनपद झांसी के ग्राम राजपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। महुबा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर सड़क हादसे में घायल बाइक सवार के रेफर के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाने से उसके परिजनों में कोहराम मच चुका है। वहीं पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए कार्रवाई शुरू की गई है।
महोबा में नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने चरखारी कस्बे में जनसभा को संबोधित किया, जहां डिप्टी सीएम चरखारी नगर पालिका के प्रत्याशी विमला गुन्नी घोष के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। आगरा की मंडी समिति के स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मंडी समिति से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी, जिसके बाद सांप निकलने की वजह से काम रुक गया, जिसके बाद मामले की सूचना वाइल्ड लाइफ को दी गई। सांप को निकलने का रेस्क्यू किया गया। आगरा में निकाय चुनाव को लेकर सिटी में 18,000 लोगों को पाबंद किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 लोगों को पाबंद किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 महीनों में 120 लोगों को जिलाबदार किया गया। चुनाव को लेकर 80% बेबस जमा कराए गए हैं। 31 अति संवेदनशील केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई गई। इसी के साथ ही अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई है। प्रवस्ती में घर के बाहर सो रहे पति पत्नी को ट्रैक्टर ट्रोली ने रौंद दिया। ट्रैक्टर चढ़ने से युवक की मौत हो गई, वहीं पत्नी का हाथ टूट गया। ट्रैक्टर ट्रोली मिट्टी लादकर ले जा रहा था। साथ ही आपको बता दें कि चालक ट्रैक्टर ट्रोली छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। मामला मलीपुर थाना क्षेत्र के बीरगंज कस्बे का बताया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक और विपरीत लिंग के व्यक्तियों के विवाह के अधिकार को मान्यता देने का निर्णय लिया। इसीलिए काफी सारे संगठन का न्यायालय के इस फैसले से राजी ना होना बताया जा रहा है कि ऐसे विवाह सामाजिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले इस निर्णय को काफी नुकसान करता है। इसमें सामाजिक संगठन, हर धर्म के धार्मिक संगठन, पूरे देश के बुद्धिजीवियों की भावनाओं पर विचार किए बिना कोई भी निर्णय लिया गया है, और इसीलिए आरएसएस ने वीप के साथ मिलकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए डिप्टी कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिए। यूपी में निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रतापगढ़ शहर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कुंडा कस्बे के बजरंग डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसभा में राजा भैया जमकर गरजे। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए राजा भैया ने कहा कि शेर कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। हाँ, ये बात जरूर है कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता। राजा भैया ने कहा कि इस जनसभा में हजारों की संख्या में आपकी मौजूदगी बता रही है कि जनसत्ता दल को जनता समर्थन दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुंडा में अन्य दलों की एक भी जनसभा नहीं हो सकी, कारण उसकी सभा में जनता जाना ही नहीं चाहती, और ऐसे में अफसरवादियों को जनता खुद जवाब दे रही है। श्रावस्ती में नगर पालिका परिषद चुनाव के प्रथम चरण में कल मतदान होना है। जिले के दोनों निकाय क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। जिले के दोनों निकाय क्षेत्रों में आज से ही भारी पुलिस बल तैनात है। नगर पालिका भिंगा में 25 वार्डों के लिए 17 मतदान केंद्र और 50 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर पंचायत इकोना में 12 वार्डों के लिए 4 मतदान केंद्र और 17 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर पालिका भिंगा में 36,593 मतदाता, तो वहीं नगर पंचायत इकोना में 12,485 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 67 पीठासीन समेत 201 मतदान कार्मिक मतदान कराएंगे, तो वहीं भिंगा नगर पालिका में 50 पीठासीन और 150 मतदान कर्मी, वहीं कोना में नगर पंचायत 17 पीठासीन समेत 51 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। अमेठी के थाना प्रभारी पीपरपुर पीड़ितों के साथ न्याय नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। न्याय के लिए पीड़ित फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौरीगंज पहुंचा। प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई का मामला सामने आया, जिसमें थाना प्रभारी बचाव कर रहे हैं। घटना में पीड़ित की पत्नी से भी अभद्रता का आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। पीड़ित ने शिकायत पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान करते हुए प्रधान प्रतिनिधि को छोड़ दिया है। अयोध्या के जमीन घपलेबाजों ने जाने माने धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को करोड़ों का चूना लगा दिया है। भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के कर्मियों की मदद से ऐसा खेल खेला, जिसमें श्री श्री रविशंकर अपनी 10 करोड़ से अधिक की रकम गंवा बैठे हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अब रविशंकर को इस पैसे की वसूली के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जबकि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर कुछ अन्य प्रक्रियाओं के बाद बुलडोजर चल जाएगा। अमेठी लखनऊ से सुल्तानपुर होकर आजमगढ़ गाजीपुर जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ बस स्टेशन से परिवहन निगम की बस देर रात 1 बजे लखनऊ से चलकर आजमगढ़ जा रही थी, और इस दौरान 2:30 बजे सुबेहा थाना क्षेत्र में 52 किलोमीटर पर एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से हुई भीषण टक्कर से बस क्षतिग्रस्त हो गई और बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रोडवेज बस पर कुल 44 यात्री सवार थे, जिसमें 28 लोग घटना में घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकुशल बाजार आपको बताते भर्ती कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ संतकवि नगर पहुंचे। सीएम योगी कड़े सुरक्षा के घेरे से होते हुए जूनियर हाईस्कूल के प्रांगण स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंच पर मंत्री संजय निषाद, प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम समेत जिले के 3 विधायक मौजूद रहे। आगरा की मंडी समिति स्थल में सैकड़ों पोलिंग पार्टियों के बीच एक मतदान कर्मी को देखकर लोग अचानक से चौंक गए। ये मतदान कर्मी दूल्हे की ड्रेस में मंडी समिति पहुंचा था। जानकारी करने पर पता चला कि देर रात को इस मतदान कर्मी की शादी हुई थी और आज सुबह इसकी विदाई होनी थी। वहीं इस कर्मी को मतदान के लिए ड्यूटी पर जाना था, लेकिन वो दूल्हे के लिवास में ही मंडी समिति स्थल
पहुंच गया और अपनी ड्यूटी कटवाने की जद्दोजहद में जुट गया। काशीपुर में आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ वाजपुर रोड स्थित कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की। कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती और इसी के साथ ही सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में की गई। दरअसल काशीपुर में प्रिया मॉल में चल रहे कैफे और स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज बसंती आर्य और काशीपुर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित रेनबो स्कूल से निकाय चुनाव 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहारनपुर जिला पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में पोलिंग पार्टी अपनी अपनी ईवीएम मशीनों को लेकर रवाना हो रही है। रेनबो स्कूल में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। मुजफ्फरनगर शरथावल नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव में एक प्रत्याशी के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए शराब और पैसे बांटे जाने की सूचना मिलती है। हर एक वोटर को एक शराब की बोतल और 3,000 रुपए बांटे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद एक समाज सेवी ने अधिकारियों से शिकायत की। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि वोटरों को लुभाने के लिए साड़ियां और मिठाइयां बांटी जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निकाय चुनाव अजीतमल और इसी के साथ ही अर्शु नगर पंचायत के प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और रीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। मेट गाला 2023 का आगाज हो चुका है। हर बार की तरह ही इस बार भी मेट गाला ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। सेलेब्स की बेहतरीन से बेहतरीन लुक हर तरफ वायरल हुए। फोटो से लेकर वीडियोस तक हर चीज ने सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में खूब सुर्खियां बटोरी। और इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का भी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उन्हें आलिया भट्ट की जगह ऐश्वर्या राय कहकर बुला रहे हैं। दरअसल पैप ने आलिया भट्ट को गलती से ऐश्वर्या राय समझ लिया और पेपराजी उन्हें ऐश्वर्या कहकर बुलाने लगे और इस वीडियो को देख लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। सलमान खान के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा है। दरअसल उनकी बेहद ही करीबी की मौत हो गई। खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपनी करीबी की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सलमान खान का ये पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है। सलमान खान ने पोस्ट में श्रद्धांजलि के जरिए बताया है कि उनकी करीबी की मौत हो गई है। सलमान खान ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट को एक इमोशनल कैप्शन के साथ शेयर किया है। सलमान खान ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरी प्यारी अद्दू, आपके प्यार उस प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे दिया जब मैं बड़ा हो रहा था। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर फैंस में अच्छा खासा बस बना हुआ है। दरअसल इस फिल्म में सलमान खान के साथ शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं। वो इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आएंगे। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि शाहरुख खान फिल्म टाइगर 3 में अपने कैमियो रोल के लिए जल्द शूटिंग करने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म टाइगर 3 के डायरेक्टर मनीष शर्मा और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और सलमान खान के सीन के लिए काफी तैयारी की है। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान और सलमान खान 8 मई को टाइगर 3 के सीक्वेंस के लिए शूटिंग करेंगे। पोनियन सेल्वन 2 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का दूसरा पार्ट भी अपने पहले पार्ट की तरह ही ऑडियंस को पसंद आ रहा है। ये फिल्म दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। खास बात तो ये है कि पोनियन सेल्वन 2 ने अपने रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड कमाई कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस का अच्छा रिव्यू मिल रहा है। ये फिल्म मदनी रत्नम की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म बताई जा रही है। फिल्म रिलीज के बाद से ही दुनिया भर में धमाल मचा रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इसने मैजिकल 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से फैंस के बीच धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म जोगीरा सारा रारा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। जल्द ही फिल्म रिलीज की जाएगी और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नेहा शर्मा लीड रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि जोगी प्रताप बात पर जुगाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि ये मूवी दर्शकों को भी जी भरकर गुदगुदाने वाली है। ये फिल्म फुल फैमिली फिल्म दिखाई दे रही है, जिसमें जम जमकर कॉमेडी का तड़का गया है। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा चर्चाओं में बनी हुई है। हाल में एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर चलती हुई नजर आई। उनका इस साल का मेगा गाला लुक भी सुर्खियों में बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि फैंस भी कपल की फोटो को जमकर लाइक कर रहे हैं। बता दें कि मेट गाला इवेंट 2023 में प्रियंका ने आपको बता दें कि फेमस डिजाइनर वेलेंटिनो का थाई हाई स्लिट ब्लैक गाउन पहना था, जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत नजर आई। वहीं प्रियंका ने अपनी ड्रेस के साथ 11.6 कैरेट के डायमंड नेकलेस और मैचिंग हाई हील्स पेयर किए थे। प्रियंका ने अपने गाउन लुक के लिए के साथ टॉप बन हेयर स्टाइल चूज किया था।
आईपीएल 2023 में कोलकाता की टीम से दो खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। ये दो खिलाड़ी रिंकू सिंह और इसी के साथ ही सुयश शर्मा हैं। इन दोनों युवाओं ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। हालांकि रिंकू सिंह इस टीम के साथ पिछले कई सीजन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बार हर मैच में खिलाया जा रहा है। अब इस खिलाड़ी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज बल्लेबाज रहे डेविड हसी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने अपने बयान में कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस प्लेयर को जल्द ही टीम इंडिया में मौका मिलेगा। आईपीएल 2023 के 44वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ने अपना बयान दिया है। मैच के बाद स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम की हार पर दुख जताया। अपने प्रदर्शन को लेकर शमी ने कहा कि मैं अपने प्लान पर काम करने की कोशिश करता हूँ, लाइन और लेंथ पर फोकस करता हूँ। ये स्कोर उतना ज्यादा नहीं था कि ना बन सके, गेंद को स्विंग भी नहीं मिल रही थी। मोहम्मद शमी ने टीम की बल्लेबाजी पर कहा कि मेरा ये मानना है कि हमें इस रन को चेस कर लेना चाहिए था। हम लगातार अंतराल पर विकेट गवाते रहे, हमें पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये काफी बाद में हुई। आईपीएल 2023 का 44वां मुकाबला भले ही गुजरात टाइटंस हार गई हो, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के लिए ये मुकाबला खास रहा। उन्होंने विकेट के पीछे 3 कैच पकड़कर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। वो 3 कैचों के दम पर दिग्गज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गजों के साथ एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दरअसल एक विकेटकीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा अब आईपीएल में 100 शिकार करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विकेट के पीछे 3 कैच पकड़कर ये खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इसी के साथ ही फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बढ़ रहे हमारे साथ, नमस्कार।